Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 9 NCERT class 3rd English. Chapter 9 Marigold. ये chapter आपकी Marigold book से है और 9 chapter के आज हम poem देखेंगे. ठीक है, आज हम poem को पढ़ेंगे and then we will discuss the question answer also and your all exercise इन दिस पोयम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इस पोयम में एक छोटा बच्चा होता है. पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हिंदी में. इस पोयम में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि कह रहा है कि उसके जो बड़े हैं, उसके मम्मा पापा जो हैं और उसके जो बड़े हैं वो उसे बहुत सारी चीजें नहीं करने देते हैं. ठीक है, इसलिए बच्चा जो है थोड़ा परेशान है. ठीक है, आज There are some things, कुछ क्या कुछ ऐसी चीजें हैं. things कहते हैं चीजों को, समय कहते हैं कुछ. क्या कुछ ऐसी चीजें हैं that जो कि grown up don't tell you to, जब तक कि आप बड़े नहीं हो जाते आप उन्हें नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसके बच्चे के मामा पापा उसको कहते हैं कि जब तक आप बड़े नहीं होंगे आप ये चीजें नहीं कर सकते. ठीक है, रीड अबाउट, अब हम पढ़ते हैं. रीड मतलब पढ़ना. व्हाट दिस चाइल्ड फील, और ऐसा ये बच्चा जो है वो कैसा फील करता है जब उसके मम्मा पापा कहते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, कुछ चीजों करने के लिए उसे मना करते हैं, तो वो बच्चा कैसा फील करता है. बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके मम्मा पापा भी आपको मना करते होंगे करने के लिए. तो चलिए इस पोयम में देखते हैं डोंट टेल. ठीक है, पोयम का नाम क्या है, डोंट टेल. There are lots of things. Lots मतलब बहुत सारी. ठीक है, things मतलब चीजें. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. ठीक है, They don't tell me do, जो कि वो मुझे नहीं करने देते. They किसके लिए है, parents के लिए. और want मतलब will not, want वो नहीं करने देते हैं. Let me do, जो कि मुझे वो नहीं करने देती है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जो हमारे बड़े हैं वो हमें नहीं करने देते हैं. आई एम नॉट बिग इनफ एट से दैट, दे से वो कहते हैं, दे से का मतलब वो कहते हैं. कौन कहता है, बच्चे के जो बड़े हैं मम्मा पापा हैं या उसके जो भी बड़े लोग हैं वो से कहते हैं कि आप अभी तक बड़े नहीं हुए हैं. ठीक है, बिग मतलब बड़े, इनफ मतलब काफी, आप अभी बड़े नहीं हैं तो आप बहुत ये चीजों को आप अभी नहीं कर. ठीक है, तो बिग मतलब बड़ा होता है और इनफ मतलब काफी या पर्याप्त. ठीक है, तो एट मतलब अभी तक आप बड़े नहीं हुए हैं इसलिए आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए आई पेशेंटली वेट. पेशेंटली का मतलब क्या होता है, कामली, शांति से. ठीक है, तो बच्चा कह रहा है कि इसलिए आई मतलब मैं, पेशेंटली मतलब कामली या शांति से, वेट मतलब इंतजार करूंगा, टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो जाता. ठीक है, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता तब तक मुझे शांति से इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और कह रहा है बच्चा कि मैं एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, सबको दिखा दूंगा. शो मतलब दिखाना, देम मतलब उनको. उनको किनको, जो बच्चे के बड़े हैं जैसे मम्मा पापा हैं और जो भी भाई बहन उसके बड़े हैं ना, जो उसे काम मना करते हैं चीजों को करने के लिए. तो बच्चा बोलता है एक दिन ना मैं सबको दिखा दूंगा. ठीक है, आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी अ चांस, अगर वो, दे किसके लिए है, बड़े लोगों के लिए. दे गेव मतलब गिव का सेकेंड फॉर्म गेव है. अगर वो मुझे देते मौका, चांस मतलब मौका, मी मतलब मुझे, अगर वो मुझे चांस देते, वो मुझे अगर मौका देते तो मैं उन्हें करके दिखा सकता था. आई कुड शो देम नाउ, मैं उन्हें अभी करके दिखा दूं अगर वो मुझे मौका दें. ठीक है, देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, तो बच्चा कहता है ट्राइड मतलब कोशिश करना, अगर मैं कोशिश करता तो मैं बहुत सारी चीजों को कर सकता था. थिंग्स मतलब चीजें, डू मतलब करना, कुड मतलब कर सकता था. ठीक है, और ट्राइड मतलब ट्राई का थर्ड सेकंड फॉर्म है ट्राइड. अगर मैं
बच्चा ये देखो छोटा बच्चा है ना, ये बोल रहा है अगर मुझे वो लोग मौका देते तो मैं बहुत सारी चीजों को कर सकता था, अगर मैं कोशिश करता तो मैं बहुत सारी चीजें कर लेता, बट लेकिन नो बॉडी नोज, लेकिन नहीं दिया उन्होंने, किसी ने भी नहीं दिया। नो बॉडी मतलब किसी ने भी नहीं, नोज मतलब नहीं, लेकिन नोज मतलब वो नहीं जानते हैं, ठीक है। बट लेकिन नो बॉडी कोई भी नहीं जानता है, नोज मतलब जानना, ठीक है, वो कोई भी नहीं जानता है। नो नो बॉडी नोज, नहीं कोई भी नहीं जानता है दैट आई एम रियली अ जियंट इनसाइड। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि मैं अंदर से इनसाइड मतलब अंदर से जियंट मतलब बहुत बड़ा हूँ, रियली मतलब वास्तव में मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, ये बात किसी को भी नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो आपकी इस पोयम में क्या था कि एक छोटा बच्चा है, ये बच्चा आपको दिख रहा है ना पोयम में, ये इसको इसके मम्मा पापा इसको बहुत सारी चीजें नहीं करने देते हैं, जैसे इसको अकेला बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं छूने देते हैं, और वेजिटेबल को चॉप नहीं करने देते हैं, चॉपिंग नहीं करने देते हैं, उसको काटने नहीं देते हैं, नहीं तो उसको नाइफ लग जाएगा इसलिए, ठीक है। तो बच्चा बहुत सारी चीजों से परेशान है और वो कहता है कि हमारे बड़े ना हमें बहुत सारी चीजें नहीं करने देते हैं, लेकिन अगर वो मुझे चांस देते, वो मुझे मौका देते तो मैं बहुत सारी चीजों को कर सकता था, और उन्हें नहीं पता है कि मैं वास्तव में अंदर से बहुत बड़ा हूँ, मैं अगर ट्राई करूंगा तो मैं बहुत सारी चीजों को कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से बच्चा कहता है, आपकी मम्मा पापा आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए मना करते होंगे ना, ठीक है। तो जियंट का मतलब क्या है, विशाल बड़ा, ठीक है, इंसान मतलब अंदर से, ठीक है। चलिए हम देखते हैं न्यू वर्ड हमने क्या क्या सीखे हैं। इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, ठीक है, इनफ का मतलब क्या है, पर्याप्त, काफी। चांस मतलब मौका, चांस का मतलब क्या है, मौका। और जियंट, जियंट मतलब क्या है, विशाल बड़ा, ह्यूज, ठीक है, जियंट का मतलब क्या हुआ, ह्यूज, विशाल बड़ा। प्रेजेंट का मतलब धैर्य पूर्वक, कामली या शांति से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम आपके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। अब स्पीकर कौन था, कौन जो बोलने वाला, स्पीकर मतलब बोलने वाला जो बोल रहा था, और कौन बोल रहा था पोयम में, बच्चा बोल रहा था, वो बता रहा था ना उसके साथ कैसे कैसे होता है, तो स्पीकर कौन था, बच्चा। तो पूछ रहे हैं कि जो बच्चा था, जो बोलने वाला था, वो उसकी एज कितनी थी, तो वो तो बहुत यंग था ना, छोटा बच्चा था। तो द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड, जो स्पीकर था वो छोटा बच्चा था, मे द एज ऑफ 8 और 10 ईयर, शायद उसकी एज जो है लगभग 10 या 8 या 10 साल की रही होगी, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड, स्पीकर जो था बोलने वाला था वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, शायद मे द एज ऑफ 8 या 10 ईयर हो सकती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर दे एंड देम इन द पोयम। पोयम के अंदर आपका दे और देम कौन थे, तो दे और देम तो जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसके एक तो या तो उसके पेरेंट्स थे, उसके मम्मा पापा थे, या उसके बड़े थे, ठीक है। तो क्या होगा, दे एंड देम इन द पोयम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड के कौन थे, दे और देम, उसके बच्चे के क्या थे, पेरेंट्स थे, बच्चे के मम्मा पापा थे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर को आपको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, और इन्हें आप लर्न करना, ठीक है, स्पेलिंग के साथ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सेक्रेट, सीक्रेट द स्पीकर इन इज हिडन, ठीक है। जो स्पीकर था, सीक्रेट मतलब उसको ने क्या चीज को सीक्रेट करके रखा था, क्या चीज को छुपा के रखा था, किस चीज को उसने रहस्य बना के रखा था, सीक्रेट मतलब रहस्य, ठीक है। स्पीकर कौन है, बोलने वाला, जो बच्चा बोल रहा था, इज हिडन, हिडन मतलब छिपा के रखना, ठीक है, उसने किस चीज को छिपा के रखा था, उसने ये बताया था ना कि वो अंदर से बहुत जियंट है, ठीक है, तो उसने क्या छिपाया था, द सीक्रेट द स्पीकर इज हिडन, जो सीक्रेट था स्पीकर का, जो बच्चे का सीक्रेट था उसने छिपा कर रखा था, इज दैट ही इज अ जियंट फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से, बच्चे ने बोला था ना कि वो अंदर से, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता इस बात को कि मैं ना अंदर से कितना स्ट्रांग हूँ, कितना मैं ह्यूज हूँ, कितना विशाल हूँ अंदर से, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ अगर मुझे मौका दिया जाए, है ना। तो द सीक्रेट
द स्पीकर, जो स्पीकर का सीक्रेट था, इज हिडन, जिसे उसने छिपा कर रखा था, इज दैट ही इज अ जायंट फ्रॉम इनसाइड, कि वो अंदर से बहुत ही मजबूत है, बहुत ही विशाल है, वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है. टॉक टाइम, अब देखते हैं टॉक टाइम में आपका क्या है. टॉक टाइम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक, थिंक मतलब सोचो, ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों के बारे में. थिंग्स कहते हैं चीजों को, ठीक है. थिंक मतलब सोचना और थिंग मतलब चीजें, डिफरेंस याद रखना आप. थ्री मतलब तीन चीजों के बारे में, ठीक है. तीन चीजों के बारे में आप सोचिए, दे डोंट लेट यू डू, जो कि आपको नहीं करने दी जाती है. कौन नहीं करने देता है आपको, आपके मम्मा पापा, जो आपको तीन चीजें नहीं करने देते हैं, उनके बारे में आप सोचिए और बताइए. तो बताइए मम्मा पापा को क्या क्या नहीं करने देते. आपको घर से बाहर अकेला नहीं जाने देते होंगे, है ना. आपको इलेक्ट्रिक आइटम नहीं छूने देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के. और क्या नहीं करने देते होंगे आपको, जैसे कि नाइफ का यूज करके वेजिटेबल को चॉप नहीं करने देते होंगे, है ना. या फिर आपको गैस यूज नहीं करने देते होंगे, चपाती नहीं बनाने देते होंगे, है ना. इस तरह से, ठीक है. चलो मैं आपको इसमें हमने लिखा है आपके लिए. तो क्या क्या है, फर्स्ट है, दे डोंट लेट मी डू चॉपिंग वेजिटेबल, है ना. वो आपको नाइफ यूज नहीं करने देते ना, वेजिटेबल को चॉपिंग नहीं करने देते ना, काटने नहीं देते हैं, क्योंकि आपको नाइफ लग जाएगा, है ना. तो आप भी ऐसा मत करना, आप भी यूज मत करना नाइफ, ठीक है. नहीं तो आपको चाकू लग जाएगा, चोट लग जाएगी, आप भी मत करना. सेकेंड है, दे डोंट लेट मी कुक चपाती इन द किचन. और हमारे मम्मा पापा हमें किचन में चपाती भी नहीं बनाने देते हैं, रोटी भी नहीं बनाने देते हैं. क्यों? अच्छा, क्यों नहीं बनाने देते हैं? अगर आप ऐसे करोगे, गैस चलाओगे, तो आप जल सकते हो, है ना, इसलिए नहीं बनाने देते आपको. नेक्स्ट है, दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन द मार्केट. और वो मुझे अकेले बाजार भी नहीं जाने देते हैं, वो मुझे अकेले मार्केट भी नहीं जाने देते हैं. आप अभी छोटे हैं ना, इसलिए आपके मम्मा पापा आपको अकेले मार्केट नहीं जाने देते हैं, ठीक है. तो ये आपके थ्री क्वेश्चन हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके आप इनको लर्न करना, ठीक है. फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूं. आंसर है आपका, दे वॉन्ट लेट मी डू द फॉलोइंग थिंग्स. क्या क्या नहीं करने देते. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए देखिए लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा, दे डोंट लेट मी डू चॉपिंग वेजिटेबल्स. वो मुझे सब्जियां नहीं काटने देते हैं. और सेकेंड है, दे डोंट लेट मी कुक चपाती इन द किचन. वो मुझे किचन में चपाती नहीं बनाने देते हैं. और थर्ड इज, दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन टू द मार्केट. और वो मुझे अकेले बाजार नहीं जाने देते हैं, ठीक है. तो इन्हें आप नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट आपका सेकेंड वाला है, वाट आर द थिंग्स. कौन सी ऐसी चीजें हैं, थिंग्स मतलब चीजें, वाट मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, यू डिड लाइक टू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ. वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप तब करेंगे जब आप ग्रोन अप हो जाएंगे. ग्रोन अप मतलब जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है. और जो चीजें आप अभी नहीं कर सकते, नाउ मतलब अभी, कांट डू मतलब करना, कांट मतलब जो अभी आपको नहीं करने दी जाती है, जो जिन्हें आप अभी नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप तब करना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे. तो क्या क्या आप तब करना चाहेंगे, आप बताइए. आप बड़े हो जाएंगे तो क्या क्या करना चाहेंगे. आप मार्केट अलोन जाना चाहेंगे, अकेले मार्केट चले जाएंगे आप. और क्या करेंगे, आप किचन में खाना बना सकेंगे, है ना. किचन में आप चपाती बना सकेंगे, फिर आपको कोई नहीं मना करेगा, आप मैगी बना पाएंगे, और आप वेजिटेबल भी चॉपिंग कर पाएंगे, है ना. बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, आप ड्राइव कर पाएंगे. तो मैंने सेंटेंस आपके लिखे हैं, आप उसे चेंज कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं. तो फर्स्ट है, आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट टू बाय ड्रेसेस फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए ड्रेसेस खरीदने के लिए मार्केट अकेले जा सकते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना. सेकेंड है, आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार फॉर माई ओन. आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप अपनी कार ड्राइव कर सकते हैं, कार चला सकते हैं ना आप जब बड़े हो जाएंगे. और आप क्या कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्राइव, अच्छा ही होगी सेकेंड वाला. थर्ड है आपके लिए, आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन. और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप सारी तरह के फूड, सारे सभी फूड को बना सकेंगे.
जो आप चाहें वो कुक कर सकते हैं। जो आप चाहे कुक मतलब पकाना, फूड मतलब खाना, ऑल मतलब सभी तरह का खाना आप बना लेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना। ये सारे काम आप कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। फर्स्ट आप क्या कर पाएंगे, आई वुड लाइक टू गो द मार्केट। मार्केट हम जा सकेंगे, किस लिए जा सकेंगे, बाय ड्रेसेस ऑफ योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ड्रेसेस खरीदने के लिए मार्केट जा पाएंगे, या अपनी कोई भी चीज खरीदने के लिए आप मार्केट अकेले जा पाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। सेकेंड है, आई वुड लाइक टू ड्राइव कार ऑफ माई ऑन। आप अपनी कार भी ड्राइव कर पाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको, है ना। थर्ड इज, आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन। और आप सभी तरह के खाने को पका पाएंगे, आप जो चाहें वो खाना पका सकेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, लर्न करना। ओके, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या क्या है चलिए देखते हैं। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दिएंगे आपको, इन वर्ड में जो लेटर है ना, इनको यूज करके आपको क्या करना है, मेक थ्री वर्ड, वन इज डन फॉर यू। आपको इनको यूज करके वर्ड बनाने हैं जिसमें से एक आपको ऑलरेडी बना के बताया गया है, ठीक है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड से आपने क्या क्या बनाया, ब्लैक बोर्ड और बैक, ठीक है। तो इनमें जो शब्द दिए गए हैं ना, बी एल ए सी के, देखो इसमें भी दिया हुआ बी एल ए सी के दिया है ना, ब्लैक। फिर बोर्ड, बोर्ड के लिए बी ओ ए आर डी, यहाँ बोर्ड दिया गया है ना। बैक का भी देखो इसमें दिया गया है, बी ए सी बी है और के बी है, ठीक है। ऐसे आपको यूज करके बाकी बनाने हैं, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसमें देख लो। मदर, ठीक है, मदर से आप एक तो यहाँ से एम को हटा के ओ से आप स्टार्ट करके अदर लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखो अदर हो गया। फिर मौत, मौत एम ओ टी एच, आप मौत लिख सकते हैं। फिर एच ई आर हर हो गया, ठीक है, इनसे ही बनाए ना। वेजिटेबल से, टेबल से यहाँ से आप, यहाँ से टेबल से लेके देखो सीधा सीधा टेबल हो गया। फिर गेट, गेट के लिए जी ई टी गेट हमने ले लिया। फिर एबल, यहाँ से देखिए ए बी एल ई, यहाँ से ले लिया एबल, ठीक है। ऐसे थाउजेंड से आपको बनाने, थाउजेंड से पहले हमने सेंट ले लिया, एस ए एन डी सेंट, यहाँ से सीधा सीधा। फिर एंड, ए एन डी एंड ले लिया। फिर हैंड, एच ई है ना, एच ए एन डी, ठीक है, हैंड ऐसे बन गया। हेलीकॉप्टर से ऐसी कॉपर, ठीक है, कॉप्टर, कॉप्टर यहाँ से ले लिया, सी ओ पी टी आर ले लिया। फिर चॉपर यहाँ से ले लिया, या देखिए आपकी सी है, ठीक है, और ये एच है आपका, फिर ये ओ है, फिर पी, फिर ई आर, ठीक है, ऐसी पायलट। फिर ये चारों इनको यूज करके बनाने हैं आपको, ठीक है, मैंने आपके लिख दिया, आप देख लेना। फिर क्या है सेकंड में, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोयम। पोयम में जो वर्ड्स दिए गए इनको आप देखिए, डोंट, आई एम, आई विल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। हियर आर दियर, दियर फुल फॉर्म, यहाँ पे इनके फुल फॉर्म बताए गए हैं। देखो डोंट का ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये डू नॉट का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, ठीक है। ऐसे आई एम, आई एम को क्या था, आई एम, फुल फॉर्म इसका क्या होगा, आई एम, ठीक है, और शॉर्ट में क्या होता है, आई एम। और आई विल का तो आई विल होता है, इसका ये शॉर्ट है, ये फुल फॉर्म है, ओके। तो इनको आप ऐसे लर्न कर लेना ताकि आपको आगे परेशानी ना हो समझने में। फिर राइट, नाउ राइट द फुल फॉर्म, अब आपको यहाँ फुल फॉर्म लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जो आपको ये ब्लैक से दिए गए हैं ना, आपकी बुक में होंगे, आप देख लेना वहां से, मैंने ये ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए। तो कांट का मतलब कैन नॉट होता है, कांट का मतलब क्या होता है, कैन नॉट। ऐसे ही इट्स का क्या मतलब होता है, इट इज, ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और इसका फुल क्या होगा, इज। ऐसे एजेंट का इज नॉट होगा, ठीक है, एजेंट इज शॉर्ट में, ये फुल फॉर्म इज इज नॉट। ऐसी व्हाट्स का मतलब क्या होगा, मतलब व्हाट इज, ओके। दैट्स ऐसे लिखा हुआ है, दैट्स का दैट इज, ओके, ये फुल फॉर्म ऐसे होंगे, आप इनको ध्यान से देख लेना, लर्न कर लेना। फिर मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग, ठीक है, अब आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, क्या क्या यूज करते हुए, ही, सी, योर्स, वी आर, ऐसे यूज करके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं, आप फिर आप कुछ और भी बना सकते हो, जैसे हीज प्ले, सीज रीडिंग, ठीक है, ऐसे करके आप खुद भी कुछ भी बना सकते हैं।
और आपको जो अच्छा लगे, यहाँ से आपको मैंने बनाए अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो आप भी अपने से बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका, मैंने बनाया है हीज बॉय हु हैज वॉन द ट्रॉफी। वो बच्चा जो है उसने एक ट्रॉफी को जीता है। वॉन मतलब जीता है, ट्रॉफी मतलब जो गेम आप खेलते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है ना, आपको कोई इनाम मिलता है वही, ठीक है। और सेकेंड है सीज द गर्ल, वो गर्ल जो वो लड़की है हुम आई मेट इन द पार्क, जिससे ये वही लड़की है जिससे कि मैं पार्क में मिला था, ठीक है। सीज द गर्ल हुम आई मेट इन द पार्क, मेट मतलब मिलना, पार्क मतलब पार्क आप जानते हो है ना, जहाँ आप खेलने जाते हो, और वो लड़की है जिससे कि मैं पार्क में मिला था। थर्ड इज यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज टूडे, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज, सरप्राइज जानते हो ना, आपको आज एक सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलने जा रहा है। वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी इन अवर हाउस, मेरे हमारे घर में एक पार्टी होने जा रही है, हमारे घर में पार्टी है आज, ठीक है। टुमारो, आज हमारे घर में पार्टी है, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। आप और कोई अपने मन से भी कोई बना सकते हैं कुछ भी, जैसे आप अपने मन से, देखिए मैं बता दूं छोटे छोटे आपको, जैसे ही इज प्लेइंग, सी इज स्टडिंग, और ऐसे आप बना सकते हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक। फिर नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स, आपको दो थिंग्स, दो चीजें लिखनी है, थिंग्स मतलब चीजें, कि नहीं, दो चीजों के बारे में आपको लिखना है। यू विल डू, आप जो करेंगे, व्हेन तब यू ग्रोन अप, आपको वो दो चीजें बतानी है जिन्हें आप तब करोगे जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यू कैन बिगिन लाइक दिस, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए लिखा है, आप देख लो यहाँ से, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल बिकम अ पायलट, जब मैं बड़ा हो जाऊंगी तब मैं एक पायलट बनूंगा। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, या पायलट की जगह आप लिख लेना, ठीक है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो बड़े होके, ये पायलट की जगह आप वो लिख सकते हो। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप यहाँ पुट ऑन कर सकते हो पायलट की जगह, ठीक है। एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, और मैं एक एरोप्लेन उड़ाऊंगा, ठीक है। सेकेंड है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आई विल विजिट ऑल द कंट्री, मैं पूरे देश में घूमने जाऊंगा। एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और अलग अलग तरह के खाने खाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। टीम टाइम, चलिए अब टीम टाइम आप देखते हैं, टीम के टीम टाइम में क्या है। क्लास वर्ड चार्ट, ठीक है, क्लास वर्ड चार्ट आपको दिया गया है। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड, आपने इस पोयम में कितने नए नए सब सीखे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट डाउन थ्री वर्ड्स, तीन वर्ड आपको लिखने हैं, यू हैव लर्न्ड सो फार, जिन्हें आपने सीखा हो, राइट देम डाउन ऑन द चार्ट, ब्लैक बोर्ड, टेल देयर मीनिंग ऑफ द क्लास। आपको जो भी आपने पोयम में सब सीखे हैं ना, उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और उनकी मीनिंग को लर्न करना है, ठीक है, फिर क्लास में बताना है, ठीक है। से लाउड, ये काम आपका है, से लाउड। अब देखिए कुछ वर्ड दिए गए जिनको आपको लाउडली इतने बोलना है, ठीक है। जियंट, जियंट का मैंने मतलब आपको बताया था ना, जियंट का मतलब क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, विशाल, ठीक है। जैसे आपको तेज से बोलना है जियंट, जैम, जिम, ठीक है, जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम, ठीक है। ऐसे आपको इनको तेज तेज बोलकर लर्न करना है, जियंट, जम, जे, और जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड और गम, ठीक है, तेज तेज से बोल के आप लर्न करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है आपका चूज एंड टिक द वर्ड विद अ जे साउंड, आपको वो वर्ड्स को, उनको आपको चूज करना है जिनमें कैसा साउंड आ रहा हो, जे का साउंड आ रहा हो, ठीक है। जे साउंड वाले वर्ड को आपको इसमें से चूज करना है। जनवरी, देखो जनवरी में जे साउंड आ रहा है ना, जनवरी। और जैकेट, जैकेट में भी जे आ रहा है, जियंट, जियंट में भी जे आ रहा है, ठीक है। गूज में नहीं आ रहा है ना, गूज में जे नहीं आ रहा है। जैम, जैम में जे आ रहा है ना, जैम, जम में आ रहा है। और जिराफ में भी जी आ रहा है ना, जिराफ, ग्रो,
ग्रो में नहीं आ रहा है ना, जुलाई जून जून में आ रहा है, ग्रे में नहीं आ रहा है और ग्रेप्स में भी नहीं आ रहा। ठीक है, जिन जिन में जे का साउंड आ रहा है उनको आपको यहाँ आप कुछ भी कर लेना, कलर कर लेना या टिक कर लेना। ठीक है, जिन जिन में जे का साउंड आ रहा है, जैसे जनवरी, जैकेट, जियन, जे आ रहा है ना, और किस में आ रहा है, जिराफ में आ रहा है, जैम में आ रहा है, जैम जुलाई जून। ठीक है, ग्रो में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, ग्रे में भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे आप कर लेना। और ये आपकी पोयम ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लर्न करना इसको, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।